ना करो बहस, हार जाओगे। हुस्न, इतनी बड़ी दलील नहीं। जिवकार, काहिल, निकम्मे, बेकार, सुस्त और ना अहल लोगों का खुद एहतसाबी के बजाय नाकामी का जिम्मेदार तकदीर, नसीब, मुकद्दर और किस्मत को ठहराना रीत इस नगर की है और जाने कब से है। सरदे अली वकार, इस तरह से आकर किस्मत किस्मत और सिर्फ किस्मत के राग अलापने वाले, हाथ की लकीरों, सितारों की चाल और तोते की फाल पर सर फेंकने वाले पेश करने के बजाय हमें किस्से और कहानियां सुनाएंगे और हिंदुस्तानी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर चलाएंगे और ऐवान में बैठे बाशऊर लोगों को मामू बनाएंगे। लेकिन मैं इनकी कोई फिल्म चलने नहीं दूंगी और दलाई से ये साबित करूंगी कि कामयाबी किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलती है। क्योंकि फूल यूं ही खिला नहीं करते, क्योंकि फूल यूं ही खिला नहीं करते, बीज को दफ होना पड़ता है। अली वकार, कामयाबी जितमाई हो या इनफरादी, दुनियावी हो या उखरवी, इसका ताल्लुक और सिर्फ और सिर्फ मेहनत से है। इंसान चांद पर कदम रखने में कामयाब हुआ तो वह किस्मत नहीं, मेहनत थी। इंसान इंसानी जिस्म की अज़ा की प्रबंधकारी करने में कामयाब हुआ तो वह किस्मत नहीं, मेहनत थी। इंसान लाखों मलोए को हवाओं में उड़ाने में कामयाब हुआ तो वह किस्मत नहीं, मेहनत थी। और 14 अगस्त 1947 को जब भी पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो वजह कोई किस्मत, मुकद्दर या तकदीर नहीं, बल्कि तहरीक पाकिस्तान में शामिल लोगों की मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत थी। अब बस है शिकवाए तकदीर यजदा, तो खुद तकदीर यजदा क्यों नहीं। सत्य अली वकार, इस तरह से आकर एड़ियाँ उठा उठा कर उछल कूद करने वाले इन किस्मत के मारों को बताती चलूं कि तलाश रिस्क में निकलने के बजाय किसी मनोसलवा के उतरने के इंतज़ार में बैठने वाले आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम हैं।